एक अनोखे गांव में रहते थे एक खुश मोटे मोटे आलूओं का परिवार। परिवार में थे चार सदस्य, मम्मी आलू, डैडी आलू और दो भाई टिंकू चिंकू। डैडी आलू पढ़ाने जाते थे। और मम्मी आलू जड़ी बूटियों की दवाई बनाती थी। टिंकू चिंकू का ख्याल भी रखती थी। टिंकू चिंकू रोज साथ साथ खेलते और जब जरूरत तब किसी की भी सहायता करते थे। जब तक वे घर वापस आते देर हो जाती थी और मम्मी आलू चिंतित हो जाती। एक दिन टिंकू चिंकू खेलने निकले। जल्दी थकावट की वजह से एक सब्जी की टोकरी में गिर पड़े। एक बड़ा बैंगन जो पहले से ही टोकरी में था उन दोनों को टोकरी से बाहर निकाल फेंक दिया। ये टोकरी केवल बैंगनों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। टिंकू और चिंकू जमीन पे पड़े रोने लगे क्योंकि बैंगन ने उनको निकाल फेंका। हमें नहीं पता था कि ये टोकरी आपकी है। हा, तुम्हें क्या पता? क्या तुम मुझ जैसे लंबे हो ये सब जानने के लिए? शो शो जाओ यहाँ से, कोई और जगह ढूंढ लो। टिंकू अपना हाथ दो जरा। हाँ हाँ ये लो मेरा हाथ। बैंगन और भिंडी दोनों ने टिंकू और चिंकू की मदद नहीं की। टिंकू चिंकू दोनों रोते रोते घर वापस आए। मम्मी आलू ने दोनों को रोते हुए देखकर पूछा कि हुआ क्या। टिंकू चिंकू ने मम्मी को सारी घटना सुनाई। मम्मी आलू ने सब्र से सब कुछ सुना, उन दोनों को मनाया और फिर सुला दिया। अगले दिन टिंकू और चिंकू फिर से खेलने बाहर गए। वे देखना चाहते थे कि वो बैंगन उस टोकरी में अब था या नहीं। अंदर झांक के देखा तो टोकरी में कोई नहीं था, पर उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। टोकरी के पीछे देखा तो बैंगन वहां बैठे अकेला रो रहा था। बैंगन भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हम तुम्हारी सहायता करेंगे, बस बोलो कि क्या हुआ। मेरी मैया बीमार है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसीलिए रो रहा हूँ। फिर दोनों आलूओं ने बैंगन के साथ उसके घर गए। और उनको बीमार बैंगन की माँ को देखकर बुरा लगा। टिंकू बैंगन की मम्मी का ख्याल रख रहा था और इसी बीच टिंकू अपने घर वापस गया। और उनके लिए एक उचित दवाई लाई। उस दवाई से बैंगन की माँ को बहुत फर्क हुई। बैंगन हैरान था कि कैसे टिंकू और चिंकू ने उसकी मदद की। बैंगन के इतना रूखा होने के बावजूद भी दोनों आलू भाइयों ने उसको मेहरबानी दिखाई। उस दिन से बैंगन ने अपना रवैया बदला और अपने दोस्तों को भी यही सिखाया। जल्द सब सब्जी टिंकू और चिंकू की तरह उपकारी बन गए।